अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमिर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो कर्णली आपसे एक रिक्वेस्ट होती है, अगर आप इरम आपी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर्वक्त मिलती रहे। तो चलते हैं जी, आज कहाँ पर बहुत कुछ आप लोगों के साथ दिखाऊँगी, बातें करूँगी। आज चलते हैं ज़रा बोट की राइड करने, तो बने जुने रहिए मेरे साथ और आपको लेके चलूंगी कनू की बोट के ऊपर और आपको दिखाऊंगी और कुछ ज़रूरी बातें वो भी साथ में होंगी। तो चलें जी, बने जुने रहे मेरे साथ और बैठते हैं एक साथ बोट के ऊपर और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या हैपन हुआ, कौन सी ख़तरनाक बात हुई, वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलें जी, चलते हैं मेरे साथ। अच्छा जी, वो फूड ढूंढ रही है बेचारी, लेकिन लोग उससे डर रहे हैं। देखे फूड चाहिए ना, लुकिंग फूड, लुक अभी आ जाए थोड़े को फूड जरा आ सबके पास जाएगी, अब वो सबके पास जाएगी वो कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए। बस अभी वापस चली जाएगी बेचारी। अच्छा जी, देखें अभी हम बोट में हैं। जी तो यहाँ पे हम लोग बोट पे बैठ चुके हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है, तो अब बस बोट में चलते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, काफ़ी ज़्यादा कश्तियाँ चल रही थी, कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट हायर की हुई थी, कुछ लोग जैसे हम लोग मोटर बोट पे बैठे थे कुछ इस तरह पे थी, तो हर कोई हीट को एंजॉय कर रहा है, यूके की हीट को इस दफ़ा, लेकिन बहुत मज़ा आया हम लोगों ने यहाँ पे बहुत एंजॉय किया। हाफ एन आवर की ये राइड थी लेकिन बहुत 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 मज़ा आया। तो यहाँ पे बस अब हम जा रहे हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है यहाँ से, तो इंशाल्लाह आपको सारा दिखाऊँगी। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आप यूके में हो तो आप यहाँ पे ज़रूर जाओ, बहुत पीसफुल है, बहुत मज़ा आता है बोटिंग करने में। आप हर तरह की कश्ती यहाँ पे हायर कर सकते हो, हर तरह की बोट यहाँ पे आप हायर कर सकते हो, अगर आपने खुद चलानी है या आपने बैठना। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे डक्स कितनी अच्छी लग रही हैं पानी में, वाइट वाइट तैरती हुई, बहुत 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 मज़ा आया। मैं कहती हूँ हमने सब ने बहुत इन्जॉय किया, और स्पेशली जब आप नेचर पे को देखते हो बैठ के। तो अच्छा जी, काफ़ी लोग थे यहाँ पे हमारे साथ इस बोट पे, बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे, बड़े भी इंजॉय कर रहे थे, तो इसलिए मैं सबके ऊपर कैमरा नहीं डाल सकती थी क्योंकि फिर कुछ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको जो है पानी के अंदर ज़्यादातर नेचर ही दिखाने की ट्राई की है।
और जो लोग वहाँ पे कश्तियाँ चला रहे थे, कुछ लोग तो बेचारे स्टक हो गए थे जो खुद से कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा इधर आपको नज़र आएंगी। लेकिन फिर भी बहुत 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 इंजॉय किया। ये बेचारे गोल गोल यहाँ पे घूमी जा रहे थे, और क्योंकि बंदा थक जाता है चप्पू वाली कश्ती में मेरे ख्याल से चलाते हुए। तो यहाँ पे एक कश्ती जो है अभी आपको आगे जाके नज़र आएगी, बोट हमारी बोट के बिल्कुल आगे आके स्टक हो गई थी। फिर उसने हॉर्न बजाया तो, लेकिन वो बेचारा स्टक था, ना इधर हो सकता था ना उधर हो सकता था। लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता है जब आप बच्चों को लेके हॉलीडेज पे निकलते हो ना, आप अपने लिए नहीं, आप बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। क्योंकि बच्चों ने तो बेशक आपने सब कुछ देख लिया होता है, आपने वो आप ऑलरेडी इंजॉय कर चुके होते हो, लेकिन आप जब अपने बच्चों को लेके बाहर निकलते हो ना, तो फिर आप अपना सारा बचपन वापस से याद करते हो। ये देखिए कैसे माशाल्लाह डक्स जो हैं कितनी प्यारी लग रही हैं। तो हसनैन बहुत इनके साथ जो है ना दोस्ती कर रहा था, डक्स के साथ बातें कर रहा था, इनके नाम रख लिए हसनैन ने। तो देखें लोग पानी में बैठे हैं, पाँव डाल के वेदर को एंजॉय कर रहे हैं। गर्मी वैसे इस दफ़ा यूके में बहुत ज़्यादा हुई है, कभी इतनी हीट नहीं हुई, मैंने कभी इतनी हीट नहीं देखी यूके में। लेकिन यहाँ से अब उसने बोट को जो था वो टर्न करना था, तो यहाँ से फिर वो यू टर्न लेगा और फिर दूसरी तरफ लेके जाएगा। तो यहाँ से अब आप देखें इस उस तरफ नहीं जा सकते, उन्होंने बैरियर्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ से अब वो टर्न करेगा, टर्न करके तो फिर वापस दूसरी तरफ लेके चलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन जब आप टर्नल के अंदर से गुजरते हो तो वो हॉर्न बजाते हैं वहाँ से, वो बहुत अच्छा लगता है। अभी इस साइड पे आप देखिएगा कितना अच्छा लग रहा है, हर कोई इंजॉय कर रहा है, क्योंकि काफ़ी अच्छा माहौल इस तरफ बना हुआ था, काफ़ी अच्छा। पता क्या है, जब इतनी यहाँ पे, क्योंकि यूके में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो गर्मी के सिर्फ एक दो मंथ ही आते हैं। यहाँ पर तो एक दो मंथ भी नहीं पहले होते थे, एक दो वीक होती थी, लेकिन इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा कहते हैं। इस तरह की गर्मी 70 में पड़ी थी, तो उसके बाद अब पड़ी है, लेकिन हमारी होश में 70 मैंने नहीं देखा ओवसली तो मैं उस वक़्त थी भी नहीं, शायद कोई मेरा ख्याल भी नहीं था उस वक़्त। तो उस वक़्त कहते हैं इतनी हीट थी जितनी अब पड़ रही है, क्योंकि इस दफ़ा तो तकरीबन 40 से ऊपर चला गया। लेकिन जो भी हो जी, मैंने और बच्चों ने और आमन ने, हमने खूब इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया बच्चों के साथ, बहुत 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 इंजॉय किया। क्योंकि मैं तो जब भी बच्चों को लेके निकलती हूँ, मैं अपना बचपन को दोबारा से याद करती हूँ, जैसे हम अपने मम डैड के साथ बाहर जाते थे तो कैसे खूब इंजॉय करते थे, बिल्कुल इसी तरह। ये देखें जी, ये प्राइवेट बोट किसी ने हायर की हुई है, तो ये सब उसके अंदर एक फैमिली या जो भी होगा फंक्शन के लिए किसी ने हायर की होगी। तो इस तरह से फिर बस इंजॉय करना चाहिए, अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहिए, किसी बस ये लड़ाइयाँ फसाद ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। मैं तो सबको मशवरा दूंगी कि लाइफ को इंजॉय करो। ये देखो, ये हमारी बोट के आगे जो है बेचारा स्टक हो गया, अब उसको पता। अच्छा जी, फिर यहाँ पे हमने बैडमिंटन भी खेला, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया बच्चों ने, मैंने, आमर ने, हमने थोड़ा खूब इंजॉय किया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं और आमर भी खेल रहे हैं बैडमिंटन, जो हमने खूब इंजॉय किया, बच्चों के साथ भी खेला, आमर के साथ भी खेला। तो इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे जल्दी, अल्लाह हाफिज़।